आपने अभी तक के अपने साइकाइट्री के इतने लंबे सफ़र में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस यू नो साइकाइट्री के बारे में सुने होंगे, आपने खुद आई थिंक टैकल भी किए होंगे, अगर आप कुछ हमारे व्यूवर्स को बताना चाहें तो बहुत मज़ा आएगा। कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं बातचीत करने, और वो ये कि क्या साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट खुद थोड़े हाँ हटके होते हैं? तो सवाल जायज़ है, इंटरेस्टिंग है और वैलिड है, और इसलिए संक्षेप में उसका जवाब, जैसे मैं बहुत कोशिश करता हूँ हर जगह देने की, यहाँ भी बात करूँगा। सबसे पहली बात ये कि जैसे हमने बात की शो में, आम जनता में, विश्व में अलग अलग स्तर पे जितनी तादाद में जितनी फ्रीक्वेंसी में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है उतना तो हमें भी हक है। ट्रू भाई, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट 100 या 1000 या 5000 हो तो उसमें भी इंडिया में 10% है जैसा हमने बात की, तो उतना तो हो ही सकता है। अक्सर ये गलतफहमी होती है कि डॉक्टर को बीमारी नहीं हो सकती।